स्वागत है देखते आज की खास खबर। अभिनेत्री उर्मिला मातोड़कर विरोध में शिकायत दर्ज। कांग्रेस से उत्तर मुंबई से चुनाव में उतरी अभिनेत्री उर्मिला मातोड़कर, इनको मिल रहे प्रतिक्रिया से भाजपा अपनी गतिशीलता बढ़ाई है। उन्होंने उर्मिला के विरोध में हिंदू लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात बता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि उर्मिला को रोकने के लिए भाजपा ने अब हिंदू को भड़काने की कोशिश शुरू की है। उर्मिला मातोड़कर इन्होंने एक टीवी शो में बात करते हुए कहा कि हिंदू ये सबसे ज्यादा हिंसा करने वाला धर्म है। इनके उस व्यक्तित्व से हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, ऐसा बताते हुए भाजपा के प्रवक्ता सुरेश नागवा इन्होंने उर्मिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उर्मिला मातोड़कर इन्होंने यह वक्तव्य राहुल गांधी के बयान पर से किया है, ऐसे हवा में तीर भी छोड़े गए। उर्मिला के साथ साथ राहुल गांधी और राजदीप सरदेसाई, इनके विरोध में भी पुलिस में तकरार की गई है, ऐसा नागवा इन्होंने बताया। उत्तर मुंबई में 2004 में अभिनेता गोविंदा ने भाजपा के ज्येष्ठ नेता राम नाईक इनको हराया था। उर्मिला मातोड़कर भी चुनाव का बिगुल बजा चुकी है, उनको देखने के लिए रास्ते पर भीड़ लग रही होकर उर्मिला को मिल रही प्रतिक्रिया देख भाजपा के कार्यकर्ताओं को गोविंदा के प्रचार की याद आ रही है, इसलिए उर्मिला को रोकने के लिए भाजपा ने यह हथकंडा अपनाया होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।